हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा आरटीआई से रिलेटेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। और मैंने क्वेरी डाली थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिगार्डिंग कि क्या सेल और परचेज के लिए अगर हम आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन की सेल और परचेज में जाते हैं तो क्या उसके लिए हमें किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, उस आरटीआई का जो रिप्लाई मेरे पास आया है उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो जो रिप्लाई आया है वो कुछ इस तरह है। डियर सर, आई एम टू रेफर टू यूर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिसीव्ड वेट लेटर डेटेड 2010-2021 एंड टू से दैट द इंफॉर्मेशन सोर्ट बाई यू इज नॉट अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। उनका कहने का मतलब है जो हमें आपका इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट मिला है आरटीआई के अंतर्गत, तो जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो उनका हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो लिखते हैं रूल 154 एंड रूल 157 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। कहने का मतलब है कि जो रूल 154 है और 157 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के अंतर्गत, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से रिगार्डिंग। अगर आप उसको बेचने के लिए बना रहे हो आयुर्वेदिक मेडिसिन को या सिद्धा मेडिसिन को जो यूनानी मेडिसिन को, तो उससे बनाने से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, लाइसेंस की जो गाइडलाइंस है उनको वो प्रोवाइड करता है। उससे आगे है एंड रूल 158B प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ लाइसेंस विद रिस्पेक्ट टू आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स अंडर सेक्शन 3A एंड 3H 2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लीगल प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज वेस्टेड विद द कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मतलब जो रूल 158B है वो लाइसेंस को इशू करने की गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए अंडर सेक्शन 3A और 3H 2 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और 1945 है वो जो इन लीगल प्रोविजंस की जो इन्फोर्समेंट की जो शक्ति प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है, वो कंसर्न स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को करता है। आगे जो है वो है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर आयुष ड्रग टैब। मतलब अगर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को डाउनलोड करना है, उसके बारे में चेक करना है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मेन हेडलाइन है इसमें जो बहुत कुछ कहती है। एज ऑफ नाउ प्रोविजंस फॉर सेल लाइसेंस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। इनके कहने का मतलब है कि जो सेल्स लाइसेंस का प्रोविजन है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी ड्रग्स में, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 में अवेलेबल नहीं है। तो अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल एक ऐसी गाइडलाइंस है जो आयुर्वेदिक सेक्टर को भी रेगुलेट करती है फार्मा के साथ साथ, इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स को भी रेगुलेट करती है, मेडिकल डिवाइसेज को भी रेगुलेट करती है, बहुत सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करती है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड, सिद्धा से रिलेटेड, यूनानी से रिलेटेड, होम्योपैथिक से रिलेटेड, सब चीज़ें ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल के अंतर्गत ही रेगुलेट होती है। तो उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये इंडिकेट करता है कि आपको आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन को सेल करने के लिए लाइसेंस चाहिए। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी काफी बारीकी से स्टडी करने की कोशिश करी है और मैंने बहुत सारे लीगल अथॉरिटियों से भी इस बारे में बात करी थी। तो सबने यही कहा था कि आयुर्वेदिक यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के लिए सेल्स लाइसेंस नहीं चाहिए। और एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक बिजनेस में काफ़ी टाइम से हूँ, तो मेरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या हम भी किसी तरह का ऐसा कोई सेल्स लाइसेंस नहीं रखते अपने पास।
कुछ प्रोडक्ट हमारे पास फूड के आते हैं तो हम FSSAI का लाइसेंस रखते हैं अपनी मार्केटिंग डिविजन्स के लिए, जो हमारी मैनुफैक्चरिंग डिवीजन है उसमें तो मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस हमारे पास होता ही है। उसके अलावा जितनी हमारे पास मार्केटिंग डिवीजन्स है उन सब के लिए बेसिकली हम FSSAI का ही लाइसेंस रखते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमारे फूड के अंडर में भी आते हैं तो वो इसीलिए रखते हैं। आयुर्वेदिक के लिए तो कोई सेल्स लाइसेंस एक्चुअली कोई अथॉरिटी बताती भी नहीं है, होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको बताएगी कि अगर आपको आयुर्वेदिक का, यूनानी का और सिद्धा का बिजनेस शुरू करना है तो आपको किसी ना किसी सेल्स लाइसेंस की जरूरत होगी, लेकिन वो ये बताएगी कि आपको सेल्स लाइसेंस की जरूरत होगी, लेकिन कोई भी वेबसाइट ये नहीं बताएगी कि आपको किस तरह के लाइसेंस की जरूरत होगी और कौन सी अथॉरिटी आपको वो इशू करेगी। जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल में ही ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये कहता हो कि आपको सेल्स लाइसेंस की जरूरत है, तो उसका मतलब यही होता है कि जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन का बिजनेस शुरू करने जाते हो तो आपको किसी तरह के सेल्स लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।